हमारी सखियों को साधारण से ग्वाले से मिलकर तो अच्छा ही लगेगा। शुभ प्रभात सखियों। सखियों, यहाँ से पुष्प इकट्ठा करते हैं। लक्ष्मी का दूसरा नाम माया, फिर भूल गए? वैसे जब तक मेरी माया हमारे आसपास है ना, तब तक मेरी सखियां तो क्या, कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, प्रकृति का भी हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ ठीक है, इस बार तुम्हारी विजय हुई, किंतु एक बात तुम भी भूल रही हो, गोपा देवी बनकर पहले ही मैं तुमसे जान चुका हूँ कि तुम्हारे स्वप्न का राजकुमार कैसा है, माया। राधा, राधा कहाँ गई? राधा, राधा, ये लो, राधा तो अब तक सो रही है, सूर्य उदय हो गया है, राधा उठो, राधा उठो। राधा कीर्तिदा रुको, रहने दो ना, थोड़ी देर और सोने दो ना उससे, है अब थक गई होगी ना। अरे आपने तो ना इसका शिष्टाचार ही नष्ट कर रखा है, राधा से राधा रानी बना रखा है। यदि एक पिता अपनी पुत्री को लाड प्रेम नहीं करेगा तो कौन करेगा भला? हाँ, अगर कुछ समय पश्चात ये नहीं जागी तो मैं स्वयं यहाँ पर आकर उसे जगा दूंगा, ठीक है? विश्वास कीजिए। ठीक है, चले। बहुत हो गया ये खेल कृष्ण, अब तो मैं स्वयं सामने आना ही होगा। बकासुर, आंधी ले आओ परसाना में, सब कुछ तहस नहस कर दो। कृष्ण जहाँ भी छिपा होगा सबकी सहायता करने उसे बाहर आना ही पड़ेगा। पूजा का समय हो गया है, राधा अब तक सो रही है, पुत्री को इतना लाड प्यार करना भी ठीक नहीं है जी कि वो पूजा अर्चना का समय ही भूल जाए। ठीक है ठीक है, मैं ले आता हूँ राधा को। तूफान कहां से आ गया? अब बरसाना भी उसी भांति नष्ट होगा जैसे वर्षों पूर्व गोकुल नष्ट हुआ था। तुम राधा के पास जाओ, मैं यहां देखता हूं। राधा, राधा, राधा कहाँ चली गई? अरे राधा अपने कक्ष में नहीं है। तुम यही घर पे रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, घर के आसपास ही कहीं होगी वो। नहीं अरे, मैं भी साथ में चलूंगी, जब तक मैं राधा को नहीं देख लेती मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है चलो आओ मेरे साथ। क्या राधा, तुम भी ना मिलवा लेती मुझे सखियों से, तुम्हारी सखियां भी मुझसे मिलके कितनी प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा, बड़ी चिंता है तुम्हें मेरी सखियों की। और नहीं तो क्या, होनी ही चाहिए, बेचारी सदैव तुम्हारे क्रोध से सहमी सहमी से रहती हैं, कुछ करना होगा इसके विषय में। राधा, ये तो माँ की पुकार है।
आपने कहीं राधा को देखा क्या? नहीं काकी, मैंने नहीं देखा राधा को। क्या तुमने राधा को देखा? नहीं ब्रिजभान जी, मैंने राधा को नहीं देखा। राधा कहाँ होगी? कहीं नहीं मिल रही। युतिदा चिंता मत करो, यही कहीं होगी वो, ढूंढते हैं उसे। राधा राधा राधा, राधा! कृष्ण हाँ घर पे मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, तुम घर लौटो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं राधा, मेरे माँ बाबा वृंदावन में सुरक्षित है, तुम्हारे माँ बाबा उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, और वो मैं करूँगा। कृष्ण के रूप में ना सही, गोपा देवी बनकर ही सही। चलो तुम्हारे माँ बाबा के पास चलते हैं। क्या कान, मैं कुछ समय के लिए बरसाना छोड़कर क्या गया? ये क्या दशा कर दी तुमने बरसाना की काना? इस परिस्थिति में आपको व्यंग सूझ रहा है दाऊ, अभी जाइए, इस आपदा को आप संभालिए, मैं यहाँ सब तक संभालता हूँ। ठीक, अब इस आंधी को तो मैं देखता हूँ। अब तो बरसाना के सभी लोगों को बचाने हेतु तुम्हें सामने आना ही होगा कृष्ण। पर हमारी भेंट से पूर्व तुम्हारी भेंट किसी और से होनी है बकासर। ओ हो हो हो, इतना आधे को उपद्रव, किंतु ये भूमि उपद्रव के लिए तो है ही नहीं असुर। देखो कितने भोले भाले सज्जनों की भूमि है, और सज्जनों की इस भूमि की रक्षा का उत्तरदायित्व अब मेरा है, इसीलिए तुम्हारे इस उपद्रव में विघ्न तो मुझे डालना ही होगा। तैयार हो जाओ। यही ये कृष्ण की कोई माया है, मुझे उसे किसी और मार्ग से बरसाना से बाहर निकालना होगा। चलो ये समस्या तो दूर हुई, अब मुझे कान्हा से जाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है।